प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरी मिर्च का अचार बनाना बताएंगे। तो 200 ग्राम हमने हरी मिर्च ले लिया है। अब इसे हम पूरा दिन के लिए धूप में रख देते हैं। पूरा दिन के बाद इस तरीके मिर्च हो गया है। धूप लगने से अचार खराब नहीं होता है। अब हम हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। अब हम मिर्च में बीज से चीरा लगाएंगे। पहले इसमें की डंठी निकालेंगे और इस तरीके हम बीज से चीर देते हैं। ग्लव्स पहनने से हाथ में जो जलन होने लगता है तो जलन नहीं होगा। तो सभी मिर्च इस तरीके हम काट कर तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो जब भी बनाइए हरी मिर्च का अचार तो इस तरीके बनाइए, खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। तो सभी मिर्च हमने इस तरीके काट लिया है, ये देखिए। अब हम कटी हुई मिर्च में नींबू डालेंगे। इस तरीके हमने नींबू काट लिया है, बीज निकाल दिए हैं। तो कटी हुई मिर्च में इस तरीके निचोड़ देते हैं। नींबू का रस डालने से मिर्च का तीखापन कम हो जाता है। ये हमने 2 नींबू का रस डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डालेंगे, अच्छी तरीके मिला देते हैं। अच्छी तरीके हमने मिला दिया है। अब इसे हम 1 घंटा के लिए ढक के रख देते हैं। आइए मसाले बताते हैं। मसालों में 1 चम्मच जीरा ले लिए हैं, 1 चम्मच काली सरसों ले लिए हैं, आधा चम्मच मेथी के दाने हैं, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिए हैं। इन मसालों को रोस्ट करके पीस लेते हैं। मसाले हमने रोस्ट करके पीस लिया। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिए हैं, आधा चम्मच नमक है। मसाले हम दरदरा पीसे हैं, ये देखिए। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए मिर्च इस तरीके हो गई है। थोड़ा हमने लहसुन की कलिया ले लिया है, छिलका उतार दिए हैं। अब इसे हम ओखली में कूट लेते हैं। लहसुन की कलिया को अच्छी तरीके हमने कूट लिया है, ये देखिए। अब इसे हम मसाले में डाल लेते हैं। इन मसालों में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, ज्यादा तेल नहीं डालना है। अब इन सभी को अच्छी तरीके मिला लेते हैं। अच्छी तरीके हमने मसाले तेल मिला लिया है, ये देखिए इस तरीके सूखा सूखा है। ये हमने इस तरीके प्लास्टिक का जाल ले लिया है और इस तरीके हम मिर्च में भर देते हैं मसाले। ये हमने इस तरीके भर दिया है मिर्च में मसाला। अब इसे हम थाली में रख लेते हैं। बहुत ही आसान है इस तरीके मिर्च का अचार बनाना। तो सभी मिर्च में इस तरीके हम मसाला भर के तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्च का अचार कम समय में कम सामग्री में बनके तैयार हो जाता है। ये जो नींबू का पानी बचा हुआ है इसे हम अचार में डाल देंगे। सभी मिर्च में मसाले भर के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसे हम प्लास्टिक के जार में रख देते हैं। अगर आपके पास कांच का बर्तन हो तो कांच के बर्तन में रखिए। कांच के बर्तन में अचार रखने से अचार खराब होने का चांस नहीं रहता है। सभी अचार हमने जार में रख दिया है और जो नींबू का पानी है उसको भी डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गर्म करके उसे हम ठंडा करके अचार में डाल देंगे। ये हम इस तरीके सरसों का तेल ठंडा करके डाल दिए हैं। तेल डालने से अचार खराब नहीं होता, सालों साल आप रखिए, खाइए, खराब नहीं होगा। आप इस अचार को चावल, रोटी, पूरी, पराठा, दाल के साथ सर्व करिए। जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। इस तरीके हम कॉटन कपड़ा लेंगे और ढक्कन से इस तरीके ढक देंगे और इसे हम 5 दिन तक धूप दिखाएंगे, फिर इसे हम खाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।